फ्रेंड्स, आपने गेमिंग लैपटॉप सुना रहेगा, देखा रहेगा और यूज भी किया रहेगा, लेकिन आपने क्या गेमिंग ईयरबड्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको मैं ऐसे ही लेटेस्ट बेहतरीन गेमिंग ईयरबड्स के बारे में बताने वाला हूँ, इसके फीचर्स और फंक्शन को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और अगर कोई ऐसा मिसिंग फीचर या फिर ऐसा कोई फीचर है जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है कंपनी की तरफ से, तो भी मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। और आपको एक ऐसी मैं लाइफ टाइम यूजफुल हो सके ऐसी टिप भी प्रोवाइड करने वाला हूँ जो इस वीडियो में कहीं भी हो सकती है। तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल, वेलकम टू रिव्यू फटाफट, नो प्रोडक्ट बटर टू यूज बेटर। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करते हुए, वीडियो को डिले नहीं करते हुए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो ईयरबड की बात करने वाला हूँ वो बोट की तरफ से है और इसके मॉडल का नाम है इमोर्टल 121। फ्रेंड्स, ये आपको दो ब्यूटीफुल बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट मैचिंग वाले कलर में मिल जाएंगे दोनों ही ईयरबड में, और ईयर केस में भी आपको ड्यूअल टोन कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और अगर आप ये गेम प्ले करते हो या फिर नॉर्मल भी यूज करते हो, दोनों के लिए ही ये दोनों कलर बेहतरीन है और बेस्ट सुटेबल है। दोस्तों, इसमें ब्लूटूथ 5.3 का यूज किया गया है जो मार्केट में अभी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। इसका एडवांटेज ये है कि सारी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ इजिली कनेक्ट हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, और इसमें इंस्टेंट पेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप केस को ओपन करते हो, आपकी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसकी बॉडी में आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा जिसकी मदद से आप टाइप सी केबल लगा के चार्ज कर सकते हो। इसको अगर एक बार फुल्ली चार्ज किया तो आपको 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल सकता है, और अगर आप केस के साथ इसको यूज करते हो तो आपको टोटल 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम भी मिल सकता है। और अगर आपके पास दोस्तों इतना भी टाइम नहीं है तो 10 मिनट केवल चार्ज कीजिए, आपको 180 मिनट्स मींस 3 आवर्स का भी प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसके दोनों ही ईयरबड में दो माइक है, इसका मतलब एक कोर माइक ईयरबड है और दूसरा इसके साथ ENX टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो एनवायरमेंट नॉइस को कैंसिल इजीली कर देता है, तो आपको एक क्लियर साउंड मिलेगा। और इसके साथ ही आपको इनबिल्ट मिल जाता है बोट का सिग्नेचर साउंड, इसकी मदद से आप क्लियर कॉल कर सकते हो, गेमिंग को भी इजीली यूज कर सकते हो, गेमिंग के टाइम पे भी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्लियर साउंड भी सुनाई देगा। और गेमिंग के लिए भी दोस्तों बीस्ट मोड के साथ आपको 40 ms की सुपर लो लेटेंसी देखने को इस ईयरबड में मिल जाती है। इसकी मदद से आप लैगिंग के बिना और सीमलेसली अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हो, यूज कर सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो। हम में से बहुत सारे पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, बाद में उनको पछताना पड़ता है या फिर रिग्रेट करना पड़ता है कि इतना गुस्सा हमने क्यों कर लिया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा अच्छा सॉल्यूशन है जिससे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हो और अपने सिचुएशन को भी इम्प्रूव कर सकते हो। आपको जब एकदम से गुस्सा आता है तो डीप थिंकिंग कीजिए और सोचिए कि आपको जो चीज की वजह से गुस्सा आया है और जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो, दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो गुस्सा है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। और अगर ये भी काम नहीं करता है, दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक और सॉल्यूशन है, ये जो चीज है उसको भूल जाइए और 10 सेकंड तक डीप ब्रीथिंग कीजिए, आपका गुस्सा यूं गायब हो जाएगा। भैया, बैक टू अवर ओरिजिनल वीडियो। भैया, गेमिंग लैपटॉप की तरह इसमें भी आपको LED लाइट्स मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, केस में और ईयरबड में दोनों में ही RGB लाइट का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट आपको देखने को मिल जाती है। ये आपके जो ईयरबड है उसको एक अलग ही लेवल तक ले जाते हैं, अलग ही एनहांसमेंट आपको देखने को इसमें मिल जाता है जब आप नाइट में स्पेशली गेम प्ले करते हो। तो ये ईयरबड में आपको IPX4 का वाटर रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा जो आपके इस ईयरबड को वाटर स्प्लैश या फिर स्वेट से बचाएगा। लेकिन सोचिए जरा दोस्तों, आप इस ईयरबड को रेन में यूज नहीं कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी ने यहाँ पे ये थोड़ा मिसिंग फीचर है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, इसके वाटर लेवल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि आप इसको रेन में अगर यूज करते हो तो ये डेफिनेटली ईयरबड में पानी इंटर हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये ईयरबड को गेमिंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है तो आप बारिश में क्यों इस ईयरबड को यूज करना चाहोगे। तो अगर आप ये ईयरबड को परचेज करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो ये ईयरबड गेमिंग के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाले आपको। अगर आप अभी परचेस करना चाहते हो तो देर किस बात की, मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन प्लीज ओपन कीजिए, वहां पे मैंने एक लिंक प्लेस किया हुआ है, वो लिंक पे क्लिक कीजिए, जैसे ही आप इसकी बाइंग साइट पर पहुंच जाते हो वहां से ये ओरिजिनल प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही रिव्यू टिप्स गार्ड और अनबॉक्सिंग के वीडियो मैं बनाता रहता हूं, आपके साथ शेयर करता रहता हूं। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार यूजफुल और मजेदार प्रोडक्ट के साथ और लाइफ टाइम हेल्पफुल टिप के साथ। तो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।